नमस्कार दोस्तों, मैं मानिक आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनी मंत्रा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको RCB वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद इस IPL के पहले मैच का फैंटेसी क्रिकेट प्रीव्यू देने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों पिच कंडीशंस की बात करें तो ये मैच सेम राजीव गांधी स्टेडियम में होने वाला है जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश का रिसेंट जो टेस्ट मैच हुआ था, तो आपको वहाँ से कुछ अंदाजा हो जाएगा कि पिच कैसी हो सकती है। बेसिकली दोस्तों शॉर्टर फॉर्मेट में ये पिच जो है फास्ट बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट करेगी एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। और बाकी दोस्तों बैटिंग के लिए पिच इतनी बुरी नहीं है, बैटिंग के लिए पिच ये अच्छी है और 144 रन का इनका फर्स्ट इनिंग यहाँ पे एवरेज स्कोर है। टीम न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों RCB की आधी टीम इस टाइम इंजर्ड है। कोहली इंजर्ड है, वो नहीं खेलेंगे कुछ मैच स्टार्टिंग के। राहुल सीजन से बाहर हो चुके हैं। AB डिविलियर्स दोस्तों पहला मैच नहीं खेलेंगे और दूसरी तरफ सरफराज खान जो है वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों अगर सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से देखें तो मुस्तफिजुर रहमान है, वो पहला मैच नहीं खेलेंगे। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें तो दोस्तों जो सनराइजर्स हैदराबाद है वहाँ पे धवन, वार्नर, भुवनेश्वर कुमार, दीपक हुडा, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, नमन ओझा, वरिंदर सरन, मोइसिस हेनरिक्यूस, बेन कटिंग या विलियमसन में से कोई एक और रशीद खान। अगर RCB की बात करें तो पवन नेगी, टाइनी मिल्स, क्रिस गेल, चहल, मनदीप सिंह, केदार यादव, ट्रेविस हेड, वाटसन बेबी, अनिकेत चौहान या फिर एस अरविंद और स्टुअर्ट बिनी। और दोस्तों की प्लेयर्स की बात करें तो वाटसन, वार्नर, केदार यादव, चहल और भुवनेश्वर कुमार। अगर प्लेयर टू वॉच आउट के बारे में बात करें तो रशीद खान। दोस्तों रशीद खान कल के मैच में एक ट्रिकी ऑप्शन हो सकता है, अगर वो चल गए तो गेम प्लान आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि आपको टीम कैसे बनानी है इस मैच में। आप देखिए यहाँ पे कुछ खिलाड़ी मैंने पहले सेलेक्ट कर लिए हैं, नमन ओझा, शिखर धवन का दोस्तों रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, पीछे जो उनका अभी टूर्नामेंट हुआ है इन्होंने लगातार 3 हाफ सेंचुरी स्कोर की थी। ट्रेविस हेड, वार्नर, सचिन बेबी, केदार यादव, वाटसन, चहल और भुवनेश्वर कुमार, आपको 2 खिलाड़ी सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले हम बॉलर से शुरुआत करेंगे जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप नेहरा के साथ जाइए, अगर नेहरा के साथ नहीं जाना चाहते तो आप रशीद खान के साथ जाइए। तो अगर आप दोनों के साथ जाना चाहते हैं तो एक टीम में नेहरा के साथ, दूसरी टीम में उन्हें रोटेट करके रशीद खान के साथ। तो अभी क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर रशीद खान के साथ जा रहा हूँ। दोस्तों रशीद खान काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो वो कल के मैच के लिए आपके लिए एक ट्रिकी सा ऑप्शन साबित हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा आपको उन्हें सेलेक्ट करना है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उनका एक ऑलराउंडर को सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको लगता है कि बेन कटिंग कल का मैच खेलेंगे तो आप बेन कटिंग के साथ जा सकते हैं, नहीं तो मोइसिस हेनरिक्यूस आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, तो आप मोइसिस हेनरिक्यूस के साथ चले जाइएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारी एक टीम बन जाती है। तो यहाँ पे अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो वार्नर सबसे बढ़िया ऑप्शन है कैप्टन के लिए, क्योंकि वो तो चलते ही चलते हैं। वाइस कैप्टन के लिए आप रशीद खान, केदार यादव, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। तो अब अगर आपको ज्यादा टीम्स बनानी है तो आप रोटेशन पॉलिसी अपना लीजिए। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी चहल को हटा दिया और टाइमर मिल्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया, और मैंने आपसे कहा भी था कि जो पिच है वो फास्ट बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेगी। लेकिन दोस्तों इस मैच में बेंगलोर के लिए कुछ खास लग नहीं रहा कि वो जीत पाएंगी, तो क्योंकि उनके वैसे भी कुछ खास प्लेयर खेल नहीं रहे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अब हमें एक खिलाड़ी और बेंगलोर से ड्रॉप करना होगा, एक बैट्समैन को ड्रॉप करना होगा और उसकी जगह हमें युवराज सिंह को टीम में सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह हम जो हैदराबाद की बैटिंग है उसे भी स्ट्रेंथन कर देंगे। दोस्तों ये थी मेरे कल के मैच के लिए फैंटेसी क्रिकेट प्रीव्यू। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रीव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, आपको सभी लिंक वहाँ से मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये टीम अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी मनी मेकिंग ट्रिक आप मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे दोबारा आइएगा।